ओवरवेट या अंडरवेट होना दोनों ही काफी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत लोग इनसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो मेरे उन सारे भाइयों के लिए है जो वेट गेन करना चाहते हैं लेकिन वही पुरानी कैलोरिक सरप्लस वाली एडवाइस सुन सुन के थक चुके हैं। हमें पता है कि हमें ज्यादा खाना है वेट गेन करने के लिए, लेकिन वही तो नहीं खाया जाता, तभी तो वेट कम है हमारा। और मैं बिलीव करता हूँ इस चीज में मैं आपके लिए बेस्ट गाइड हूँ क्योंकि मैंने ये जिंदगी जी है, मैं इस फेज से गुजरा हूँ। तो रिलैक्स हो जाओ, पॉपकॉर्न या कोई भी हेल्दी चीज पकड़ लो और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करने वाला हूँ। वेर आई स्टार्टेड फ्रॉम 52 केजीज एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने लगभग 25 किलो वेट गेन किया है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब मैं 10th 11th में था आई वॉज वन ऑफ द स्किनीएस्ट किड्स इन माई क्लास एट 52 केजीज। लेकिन तब इतना रियलाइज नहीं होता था क्योंकि मेरे सारे दोस्त भी पतले पतले से ही थे और कोई थोड़ा हेल्दी होता भी था ना तो सब उसको मोटा मोटा कह के चढ़ा देते थे। और तब लाइफस्टाइल भी ऐसे चलता था, ट्यूशन के बाद रोज मोमोज चल रहे हैं, चिली पोटैटो चल रहे हैं, तो तब कोई इतना हेल्थ पे ध्यान देता नहीं था, इतनी ज्यादा अकल भी नहीं थी, तब हवाबाजी में ज्यादा दिमाग रहता था तब। लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद ही रियलाइज होना शुरू हुआ जब तक मैं 12th में आया कि यार मैं कुछ ज्यादा ही पतला हूँ, मैं इतना पतला हूँ कि इससे मेरी पर्सनैलिटी खराब हो रही है और कॉलेज में तो ऐसे नहीं चलेगा, इस कंकाल पे कुछ तो मास चढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने इधर उधर से थोड़ी बहुत एडवाइस लेनी शुरू करी, अपना दिमाग लगाया और सबसे पहली चीज मैंने ये करी, मैंने अपना पूरी तरीके से जंक बंद कर दिया, सब कुछ कट कर दिया, चिली पोटैटो मोमोज वगैरह बाहर जाना सब बंद कर दिया। ये करने के दो रीजंस थे, सबसे पहले तो जंक फूड में ना के बराबर न्यूट्रिशन होता है आपकी बॉडी के लिए, उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं दैट मेक यू वेरी स्लो एंड लिथार्जिक, माने कि लेजी, आप सारा दिन आलसी फील करोगे, आपके वर्कआउट्स अच्छे नहीं होंगे, आपके वर्कआउट्स अच्छे नहीं होंगे तो आपकी फिजिक अच्छी नहीं होगी। एंड सेकेंड रीजन था कि वेट गेन जो होगा बिना जंक से वो अगली सा पेट निकल आएगा, आप और ज्यादा अंदर से अनफिट अनहेल्दी होते चले जाओगे और कोई मसल मास गेन नहीं होगा। लोग बोलते हैं यार मैं तो खूब खाता हूँ लेकिन मेरा वेट ही गेन नहीं होता, जेनेटिक्स को ब्लेम करने लगते हैं कि यार मैं एक्टोमॉर्फ हूँ ना इसलिए मैं कितना भी खा लूँ मेरा वेट ही गेन नहीं होगा। भाई क्योंकि तुम कूड़ा खाते हो, वो न्यूट्रिशनली डेंस फूड है ही नहीं। मैंने जंक कट किया एंड आई इंस्टेंटली स्टार्ट फीलिंग अ लॉट बेटर, हफ्ते भर में ही आई स्टार्ट फीलिंग अ लॉट मोर एक्टिव और मुझे मोटिवेशन मिला क्योंकि मेरे सारे दोस्त अभी भी वही कर रहे थे, जंक फूड खा रहे थे, तो उन्हें देख के मुझे मोटिवेशन मिलता था कि आई एम डूइंग समथिंग बेटर फॉर माई सेल्फ। जंक कट किया तो मैं प्रॉपर घर के 3 मील्स खाने लग गया, तो उसी से आई स्टार्ट गेनिंग अ लिटिल बिट ऑफ वेट, ना के बराबर सही था वो 1-2 केजी बस, लेकिन उससे मुझे मोटिवेशन मिला। तो मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज वगैरह देखनी स्टार्ट करी और हर बंदा यही बोल रहा था कैलोरिक सरप्लस मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाओ। तो सबकी सुन के मैंने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करी। मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने का ना बहुत ही आसान सा तरीका होता है, आप गूगल पे बस इतना सर्च करो BMR कैलकुलेटर, उसमें अपना हाइट वेट एज बता दो और आपको वो एक नंबर निकाल के देगा। अब अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप दिन में ज़्यादातर टाइम बैठे रहते हो, जिम वगैरह नहीं जाते, स्पोर्ट्स नहीं खेलते, तो आप उस नंबर को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड अगर आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप रोज़ कोई स्पोर्ट खेलते हो या जिम जाते हो, तो आप 1.5 या 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल, वो जो नंबर आएगा दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अब ये नंबर मैंने निकाल लिया, फुल जोश में मैंने करी माई फिटनेस ऐप डाउनलोड और मैं पहुंच गया किचन में, मम्मी आज से मेरा सारा खाना तोल के बनेगा, ये सब्जी कितनी डाल रहे हो तोलो पहले से, ये रोटी में आटा कितना लग रहा है तोलो पहले से, तेल कितना डाल रहे हो तोल के डालो इसको। मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा, मैंने मम्मी की तरफ देखा और दोनों हंस दिए कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है ये तो ना मेरी बस की है ना उनकी बस की है, ठीक है। और तभी से मैं कैलरी काउंटिंग ये सिस्टम के काफ़ी अगेंस्ट हूँ क्योंकि हमने कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन थोड़ी खेलना है, कोई स्पेसिफाइड बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ी अचीव करना है कि हमें ये सब मत्थापीटी करनी पड़े, हमको तो फिट होना है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, हमें अच्छा दिखना है, उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये तरीका निकाला कि मैं अपने नंबर ऑफ मील्स इंक्रीज कर दूंगा, जो 3 मील्स फुल ले रहा हूँ वो तो लूंगा ही, लेकिन उसके साथ मैंने 2 और मील्स ऐड कर दिए। मैं क्या खाता था वो बताता हूँ, तो सबसे पहले तो सुबह उठ के मैं एक हैवी सा ब्रेकफास्ट करता था, प्रॉपर कार्ब्स वाला, जिससे मुझे पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाए। सो ओट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर मैं दलिया खा लेता था कभी कभी, या फिर उपमा पोहा, इनमें से कोई भी ले सकते हो, ये सारे ही कैलोरी डेंस ऑप्शन है और एकदम प्लेट भर के खा जाओ उसे। फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मैंने एक और मील ऐड कर दिया ब्रंच की तरह से, और इस मील को मैं प्रोटीन रिच रखता था क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन की काफी जरूरत होती है आपको मसल बिल्ड करने के लिए। अब देखो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप चिकन अंडे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं क्या करता था और मेरे सारे वेजिटेरियन भाई भी यही कर सकते हैं, पनीर लिया 150 ग्राम कच्चा,
और उसको मैश कर लिया, ठीक है। उसके साथ 2 से 3 आलू लेने, उनको बॉईल कर लो और छील के उनको भी साथ में मैश करके मिक्स कर लो। अब इस पे मैं नमक और काली मिर्च से सीजनिंग कर लेता था, उस पे थोड़ी सी सॉस डाली, एकदम टेस्टी। और प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स सब कंप्लीट, वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस। एक और भी ऑप्शन मैं यूज करता हूँ, आपको आज फुल 56 भोग बना के दूंगा। सो रात को मैं थोड़े से चने और स्प्राउट्स भिगो के रख देता था। अब कुछ नहीं करना, आपको बस उनको उबाल लेना है और उसमें टमाटर, प्याज, खीरा और नींबू मिर्च डाल के पूरा बोल भर के खा जाओ। बेहद टेस्टी और न्यूट्रिशनल डेंस फूड। ये हो गया मेरा मील 2। इसके बाद घर का प्रॉपर लंच कर लिया, फिर लंच और डिनर के बीच में मैंने एक मिल्क शेक ऐड कर दिया। कोई भी, जो भी आपको पसंद हो, बनाना शेक, मैंगो शेक, वो आप ऐड कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ, जब आप लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करते हो ना, तो आपकी बॉडी पे तो पूरी लगती है, लेकिन उसके बाद आपको फिर से जल्दी उतनी भूख लगाती है, तो आप उसके बाद प्रॉपर अपना डिनर कर सकते हो। तो बस हंसी मजाक में हमारे 2 पूरे पूरे हैवी मील्स ऐड हो गए दिन में। और एक बात और ध्यान रखनी है, हमें कैलोरी डेंस फूड्स खाने हैं। सो फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, पीनट्स एक्सेट्रा। और हाँ, हमें फैट्स अपनी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि फैट्स तो जहर है, अगर बॉडी बनानी है तो फैट्स लेने ही नहीं है। नहीं, 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिल जाती है, तो हम जैसे हार्ट गेनर्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ा हैक है। स्पेशली क्योंकि आपको वेट गेन करना है, तो आपको अपना फूड ज्यादा से ज्यादा गुड फैट से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, और आप इसके साथ घी और मक्खन भी ले सकते हो। सो इतना ही करके, ये सारी चीजें फॉलो करके मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया था। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने में मैंने 8 से 10 किलो वेट गेन कर लिया था। लेकिन क्योंकि मुझे मसल्स गेन करनी थी, एक बॉडी, अच्छी बॉडी बनाने का सपना था, सिर्फ वेट गेन नहीं करना था, तब मैंने स्टार्ट किया वर्कआउट करना। आप में से जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिर्फ होम वर्कआउट्स के थ्रू करी है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपने 7 दिन के सारे वर्कआउट एक्सप्लेन किए हैं जो मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में करता था। सो आई वुड सजेस्ट यू वॉच दैट वीडियो नेक्स्ट। आपको एक पूरा 7 डेज का होम वर्कआउट रूटीन मिल जाएगा, विच यू कैन जस्ट फॉलो। बिकॉज हमें वेट गेन करना है, तो हमारा फोकस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे होना चाहिए, चाहे वो जिम में लिफ्टिंग हो या फिर वो घर पे होम वर्कआउट्स हो। तो आपको सबसे ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स करनी है, लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुशअप्स, पुलअप्स। ये एक्सरसाइजेस आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगी और आप रैपिडली अपनी फिजिक ग्रोथ देख पाओगे। आपको इंटेंस कार्डियो पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वेट गेन कर रहे हैं, बट कार्डियो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 2 दिन आप लाइट कार्डियो इंक्लूड कर सकते हो अपने वर्कआउट रूटीन में। और लास्ट नेल जो था कॉफिन में, दैट वॉज आई एडेड प्रोटीन टू माई डाइट। क्योंकि हम सबको पता है प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मसल्स बिल्ड करनी है आपकी रिकवरी के लिए। एंड हमारी इंडियन वेजिटेरियन डाइट से उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। सो आई एडेड प्रोटीन पाउडर एंड उसके बाद आई स्टार्टेड रैपिडली बिल्डिंग मसल। मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, धीरे धीरे 65, 70, 72 kgs तक मैं पहुंच गया था। राइट नाउ आई एम एट 77 kgs। इस टाइम तक अच्छा खासा मसल मास बिल्ड कर लिया था मैंने, बॉडी देखने में अच्छी लग रही थी, आई फेल्ट मच मोर कॉन्फिडेंट इन माई स्किन, एंड दिस जस्ट मोटिवेटेड मी मोर एंड मोर टू कीप पुशिंग। आपको कुछ भी ओवरथिंक नहीं करना है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोटीन ठूसे जा रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन भी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। आपको सिंपली दिन का 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन लेना है। एंड दिस वॉज माई होल जर्नी फ्रॉम अ स्किनी किड हु नेवर फेल्ट कॉन्फिडेंट इन हिज ओन स्किन टू वेयर आई एम राइट नाउ। आई एम सैटिस्फाइड विद माई फिजिक एंड आई एम ऑलवेज हंग्री फॉर मोर, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप भी यहां तक पहुंच पाओगे। आपको बस ये चीजें कंसिस्टेंटली 3 से 4 महीने फॉलो करनी है और आप खुद ही सब चीजें समझ जाओगे, आपको आदत पड़ जाएगी, आपकी अच्छी हैबिट्स बन जाएंगी और आप अपनी लाइफ, अपनी बॉडी, अपना लाइफस्टाइल चेंज होते हुए देखोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।